हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके रिक्वेस्ट पे कोली स्टोरी ड्रॉपिंग, वो भी दो डिफरेंट तरीके से। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं एक डबल कलर साड़ी ली हूँ जो कि वाइट और पर्पल कलर में है। तो लेफ्ट साइड में मैं वाइट कलर की रखी हूँ और अपोजिट साइड पे मैं पर्पल कलर को रखी हूँ। और ये मैं लेफ्ट साइड पे तीन हाथ नाप के यहाँ पे छोड़ चुकी हूँ। उसके बाद जितना साड़ी बच जाता है आपको राइट साइड पे रखना है। और यहाँ पे आपको टाइट सा एक सेंटर में नॉट बना देना है। उससे पहले आपको जो कलर का साड़ी आपका है, मतलब कमर में, आपको उसी कलर का लेगी पैड यहाँ पे वेयर करना है, नहीं तो वो बाद में मतलब ऊपर की तरफ विजिबल हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर मैंने एक ब्लाउज वेयर कर लिया है। इसके बाद हम नीचे से साड़ी को ऊपर की तरफ नहीं खींचेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश की हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली साड़ी को एक पार्ट को पकड़ के उसको बैक साइड पे लेके चली गई हूँ। और यहाँ पे उसको अपने हाथ से अच्छी तरीके से सेट करके उसके बाद थोड़ा सा उसको आपको टाइटली ही पकड़ना है, क्योंकि जैसे कि बॉर्डर वाला साड़ी है तो आपको थोड़ा सा टाइटली ही पकड़ना है। और यहाँ पर फिर से एक बार पीछे की तरफ हमें घुमा देना है। तो आप यहाँ तक समझ गए हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोटे करके प्लेट्स डाल देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और प्लेट्स डालने के बाद हम अंदर की तरफ बैक साइड पे उसको बिल्कुल सेंटर में उसको टकिंग कर देंगे। इसके बाद वन साइड हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपोजिट वाले साइड को हम यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से पीछे की तरफ उसको लेके जाएंगे। और यहाँ पे लेने के बाद आपको बिल्कुल सेम टू सेम उसको टाइटली ही पकड़ना है अपने हैंड्स पे। और लूज़ अगर आप पकड़ोगे तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाएगा और बाद में लूज होता रहेगा, तो आपको थोड़ा सा टाइटली उसको पकड़ना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कितनी अच्छी तरीके से अपने हाथ से उसको सेट कर रही हूँ। फिर आपको ये चीज़ ध्यान से ही देखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लेट्स नहीं डालना है। यहाँ पर साड़ी के पल्लू को थोड़ा सा उसको फैला देना है अपने पैर के एरिया पे। और यहाँ पे बिल्कुल जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कितनी अच्छी तरीके से उसको अच्छी तरीके से सेट कर चुकी हूँ। और उसी तरीके से आपको पीछे के साइड पे लेके जाना है और यहाँ पे बॉर्डर के अंदर से डालते हुए उसको अपोजिट साइड पर लेके जाना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। फिर आपको क्या करना है, उसी पल्लू को पकड़ के उसको बैक साइड पे नीचे की तरफ उसको खींचना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ताकि उसका जो बॉर्डर और उसका कलर वाइट के ऊपर पर्पल कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड का डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद डायरेक्टली ही पल्लू को यहाँ पर ओपन कर देना है और ओपन करके डायरेक्टली कंधे पर यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक सेफ्टी पिन डाल देना है। और ये हमारा फर्स्ट वाला लुक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर हम मूव ऑन करेंगे सेकेंड वाले पे, और सेकेंड वाले पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से अपने हाथों पर सेट कर देना है पल्लू, जैसे हम सेट करते हैं प्लेट्स डाल के। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेफ्टी पिन डाल देना है। और सेफ्टी पिन अच्छी तरीके से डालने के बाद इसके जो पल्लू है आपको क्या करना है, पीछे की तरफ उसको नहीं छोड़ना है, आपको उसको सामने की तरफ लाना है। मतलब सामने की तरफ हमारा जो कमर है उसको ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे लाना है, ताकि हम यहाँ पे जो भी चेन डालेंगे इसका जो लुक और भी ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट आ पाए, जो कि आप अभी अभी देखोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक, पल्लू को सामने की तरफ लाने का डिफरेंट तरीके से ये दिखाई दे रहा है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो दोनों ड्रॉपिंग आपको कैसा लगा और दोनों डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना है वो भी बता देना है। तो मैं मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।